सो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा वो आप देखोगे मेरे इस ब्लॉग में। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्टॉप। सो अब हम जा रहे हैं धर्मशाला से मैक्लॉयडगंज। सो धर्मशाला से मैक्लॉयडगंज है 4.9 किलोमीटर एंड विद ट्रैफिक 16 मिनट्स मोर। सो ये ट्रिप बहुत मज़ेदार होने वाला है वो आप देखोगे मेरे अगले इस ब्लॉग में और आने वाले अगले और दूसरे ब्लॉग्स में। यहाँ पे कुकिंग, पैराग्लाइडिंग, टोंगा पेंटिंग, वुड कार्विंग, यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये सो देर इज़ अ सीडर ट्रीज ऑल अराउंड द मैक्लॉयडगंज एंड धर्मशाला। दे आर इलीगल बट स्टिल पीपुल आर टेकिंग एंड यूजिंग टू मेकिंग एज अ होटल एंड कमर्शियल एंड कंस्ट्रक्शन पर्पज विच इज़ इलीगल। ये हम पहुँच गए हैं मैक्लॉयडगंज में। अब हम यहाँ से ये क्रॉस करेंगे ये पूरा मार्ग है। यहाँ पे मैक्लॉयडगंज ये मार्ग क्रॉस करते तो अभी हम जहाँ जाने वाले हैं वो है बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस। जो भी धर्मशाला आएगा वो डेफिनेटली यहाँ पर आकर के विजिट करे। ये है टीकरी टेम्पल। So let's start with the section of rolling temple complexes. Also यहाँ पे residence है 14 दलाई लामा के जो so this is very important place to visit. So as we enter first we have तिब्बतीय म्यूजियम दैट इज इन द राइट रागन है। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये है शहीद स्मारक। ये पीछे पूरा तिब्बतीयन का बना हुआ है। और आसपास कुछ शॉप्स हैं जो तिब्बत मार्केट की शॉप्स हैं। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देखोगे ये है मार्टियस मेमोरियल। ये सामने आप जो देख रहे हो ये उनके पूर्वज। और ये तिब्बतीयन नेशनल मेमोरियल है। और ये आर्ट गैलरी और हैंडीक्राफ्ट है। अंदर मंदिर है। और ये जो लोग शहीद हुए थे इन सब का फोटो है। सो दिस इज द वे टू द मेन कॉम्प्लेक्स एंड टेंपल। सो वी आर गोइंग इनसाइड। सो दिस इज द मेन टेंपल एंड द एक्चुअल टेंपल इज इन अपस्टेयर्स। So here is the classes also, but because today is a Sunday, and here is the residence of the holiness of the 14th Dalai Lama houses. So this is the holiness of 14th Dalai Lama. So this center actually houses over 200 monks. They do a lot of research
दिस ऑल्सो नोन एज द नाम ज्ञान मोनेस्ट्री विच वॉज एक्चुअली स्टार्टेड इन तिबेट एंड ही मूव्ड हियर द रेड चाइनीज इनवेडेड तिबेट इन 1959 विच इज when the Dalai Lama and thousands of Tibetans and lots of monks fled to India, Nepal, Bhutan and then they kind of pre-established the monastery here in Dharamshala. This is the most beautiful view which I saw, and there you can see the roadway also there. This is the roadway from Dharamshala to McLeodganj. So this is the main temple. So now I'm looking into the main temple. कितना साइलेंस है, कितना पीस है. So that was the main temple. We got some idols there, a lot of monastery there, and a huge prayer hall and meditation space, and they have idols with little dots of offering around them. ये दलाई लामा का फोटो. ये पेंटिंग्स हैं. ये पूरी पेंटिंग है. ये इनके भगवान हैं. ये ग्रीन तारा है. ग्रीन तारा So this is the second down temple. Again you can see the same prayer hall, and you got that up. Thank you.
So this is again the same prayer hall. So this type of prayer wheel you can see all around the temple. So you can walk around and you can see the prayer wheels. So here also you can see the Tibet culture and the silence. So also they have a giant prayer wheel that you can spin here and ring the bell. ये जो आप देख रहे हो ये पूरा दिया है, इतने दिए जलाते हैं यहाँ पे ऐसे. तो जगह छोटी हो या बड़ी हो, मेन इम्पोर्टेंट है खाना. तो अब मैं यहाँ पे खाने वाली हूँ मोमोज. सो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है मोमोज की. आपको पोटैटो मोमोज, कैलीफ्लावर मोमोज और बहुत अलग अलग टाइप के मोमोज मिलेंगे. मैंने यहाँ पर मोमोज खाए. इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है. इसमें क्या रहता है? इसके अंदर चाइनीज कैपेस, पालक पनीर. ओ सॉरी भैया, बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज हो गए थे. सॉरी, कोई बात नहीं, मैं एडिट कर दूंगी और डाल दूंगी. इसका नाम है पोज ना पोज. मैंने उनको बोला था कि मैं ये वीडियो एडिट करूंगी, बट मैंने वीडियो एडिट नहीं करा. तो आप यहाँ पर आए तो इनके मोमोज खाएं. और इनके पास और भी वेराइटी है, लाफिंग येलो ड्राई. Okay, so now we are heading towards our last stop, that is in our hotel. So we reach our hotel. This is our hotel. The hotel name is Pink and White Hotel. If you want, you can book online. Also, you can book it. In this hotel is, this is the near of the main market. तो अब हम इसके बाद कहाँ जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में. इसके बाद मैं कहाँ गई थी और मैंने क्या करा. ओके गाइस, सो बाय द टाइम यू कैन वॉच दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय वीडियोस एज वेल एंड कमेंट डन. We'll see you in the next vlog. Bye bye. Take care.